हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश भिदूरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिज़ाइन एक नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट, यानी कि घर की तराई। अगर आप कोई नई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या फिर करवाने का सोच रहे हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन की तराई है वो किस तरीके से की जाएगी, क्या सही तरीका है उसको करने का, और हमें तराई कितने दिनों तक करनी चाहिए और किस तरीके के पानी से हमें तराई करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तराई करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तराई की जाती है वो हमारे कंक्रीट को सही मात्रा में मॉइस्चर और उसको एक सही टेम्परेचर देने के लिए की जाती है। सही तरीके से तराई करने पर हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, और हमारे स्ट्रक्चर के अंदर क्रैक्स आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं अगर हम सही ढंग से तराई करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि तराई करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका पॉन्डिंग मेथड। पॉन्डिंग मेथड से जो तराई की जाती है वो फ्लैट मेम्ब्रेन्स पे की जाती है, जैसे कि आपका आरसीसी की जब हम छत डालते हैं तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से एक छत को स्टोन डस्ट की मदद से छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसके अंदर हम पानी भर देते हैं, जिससे पानी को हम छत के ऊपर थोड़े ज़्यादा टाइम तक रोक सकते हैं, जिससे हमारी छत को एक अच्छा मॉइस्चर मिल पाता है और उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, के अंदर क्रैक्स आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्प्रिंकलिंग मेथड। स्प्रिंकलिंग मेथड का जो इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं वो आपकी जो चिनाई हम करते हैं 4.5 इंची की दीवार की, या फिर आपकी 9 इंची की दीवार की, या फिर प्लास्टर को भी स्प्रिंकलिंग मेथड की मदद से तराई दी जाती है। इस मेथड के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए कि हमारी जो दीवारें हैं वो अच्छे से मॉइस्चर ले सकें, और प्लास्टर और दीवारों की जो तराई है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है अगर आप उसको सुबह और शाम दोनों ही टाइम करें तो आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास वेट कवरिंग। वेट कवरिंग की मदद से हम अपने कॉलम्स, स्लोप सर्फेसिस, बीम्स और कॉन्क्रीट वॉल्स को तराई दे सकते हैं। इस टेक्निक के अंदर जिस एरिया को हमें तराई देना होता है उस एरिया को हम जूट बैग से कवर कर देते हैं और फिर उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि जो जूट बैग्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और काफ़ी टाइम तक वो मॉइस्चर को उस सतह के ऊपर रोक सकते हैं। इस टेक्निक के अंदर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो जूट बैग्स हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पर हम उसको गीला करते रहें। तो ये थे हमारे 3 मेथड जिनसे हम तराई को कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हमें तराई को कितने दिनों तक करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो 7 डेज के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को लगभग 65% गेन कर लेता है और 28 दिन के अंदर अंदर वो 99% अपनी हार्डनेस को गेन कर लेता है। तो बेस्ट आपके लिए ये रहता है कि आपको कम से कम 7 दिनों और ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिनों तक तराई को करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होनी होती है कंक्रीट के अंदर वो लगभग 28 दिनों के अंदर अंदर हो जाती हैं। तो 28 दिनों के बाद ऐसा कोई मतलब नहीं रहता कि आप उसके बाद भी तराई करें, और आपकी जो दीवारें होती हैं या फिर उनके ऊपर जो प्लास्टर होता है उनके ऊपर आपको एटलीस्ट 10 डेज तक तराई जरूर करना चाहिए। और हाँ, जो तराई है आपकी इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन से सीमेंट का इस्तेमाल किया है। जैसे कोई सीमेंट अपनी थोड़ी जल्दी हार्डनेस और स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है, उसी तरीके से कुछ सीमेंट थोड़ा सा लेट करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि किस तरीके का पानी आपको तराई में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो जो पानी हम अपने घर के इस्तेमाल में लेते हैं उसी टाइप के पानी को हम तराई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का जो पीएच लेवल है वो 6 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो तराई के ऊपर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को उनके साथ जो नए कंस्ट्रक्शन करवाने का सोच रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। और हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की नॉलेज के साथ।